नमस्कार, चिंदवाड़ा लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजधानी भोपाल में चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में मुख्यमंत्री के पद को लेकर असमंजस की स्थिति बरकरार है। इस रेस में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे आगे हैं, लेकिन कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में सभी को पूर्ण विश्वास है कि कमलनाथ ही प्रदेश की कमान संभालेंगे। इसी उत्साह में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सातों विधानसभा क्षेत्रों में विजयी जुलूस निकाला। स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में आज भूतपूर्व छात्राओं के लिए करियर काउंसलिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान शासकीय महाविद्यालय चांद के व्यक्तित्व विकास अधिकारी और मोटिवेटर डॉक्टर अमर सिंह ने कहा कि महाविद्यालयीन शिक्षा छात्रों के अंदर सुसुप्त ऊर्जा का फूटने वाला ज्वालामुखी बने, तब जाकर उच्च शिक्षा के महत्वाकांक्षी सपने पूरे होंगे। कन्या महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर पीआर चंदेलकर, वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर कामना वर्मा, करियर मार्गदर्शक प्रभारी डॉक्टर प्रशांत बेलवंशी ने सभागृह में उपस्थित छात्राओं को भविष्य में इसी तरह के होने वाले आयोजनों में सहयोग की अपेक्षा की। सम्मेलन में कौटिल अकेडमी से पधारे करियर प्रशिक्षकों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में विस्तार से छात्राओं का मार्गदर्शन किया। ये बात दृष्टांत के माध्यम से अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल ये बताओ, मैं किसी और संदर्भ में नहीं कहना चाहता, आपको सिर्फ मोटिवेशन इज द सेंटर ऑफ माय होल स्पीच। अमरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के किसानों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि उनके क्षेत्र सिंगोड़ी में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी है और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी तक नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर उन्होंने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया है। एक हमारी पंचायत है जो कि छिंदवाड़ा जिले की सबसे बड़ी पंचायत है। आज रजूला, सिंगोड़ी और ऐसे दो तीन गाँव जो होते हैं, एक हमारे अमरवाड़ा विधानसभा के अंतर्गत एक चमुआ बांध आता है, जिससे भरण पोषण हुआ करता था पहले पानी की किल्लत से हम निजात पाते थे, लेकिन अभी वो बांध का पानी नहर में चले जाने के कारण हमारे नदी रीजन में पानी नहीं आ पा रहा है। और उसके कारण हमने लगातार तीन वर्षों से, जब तक बीजेपी गवर्नमेंट थी, हमने तीन बार आंदोलन करे बड़े, जिसमें कलेक्टर महोदय जी वहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने ट्यूबवेल खुलाने के लिए वहाँ पर बोला था, लेकिन दोनों ट्यूबवेल में पानी नहीं निकला, उसमें दोनों ट्यूबवेल से पानी नहीं निकला। तो हम चाह रहे हैं कि जो नदी में भी जो पानी आता है, नदी सूखी पड़ी हुई है, चमोह डैम का पानी हमको मिले, ताकि हमारे गांव वाले को और हमारे पूरा गाय भैंस मवेशी वगैरह जो उनको पानी मिल सके और कुछ किसान भाइयों को भरण पोषण उसी पानी से। आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य महाराज का 570वां जन्म जयंती महोत्सव 14 और 15 दिसंबर को मनाया जाएगा। दो दिवसीय मंगल महोत्सव की तैयारी सकल तारण तरण दिगंबर जैन समाज द्वारा जोर शोर से की जा रही है। समाज के अध्यक्ष डॉक्टर यू के जैन ने बताया कि जन्म जयंती महोत्सव में आत्म साधक ब्रह्मचारी दिव्यानंद जी का मंगल सानिध्य प्राप्त हो रहा है। वहीं इस दौरान विविध धार्मिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तारण भवन प्रांगण छोटी बाजार में होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।